दिल्ली में प्रदूषण स्तर को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली के लोगों को अगला मंगलवार स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक साबित बताया जा रहा है। यह जानकारी मौसम विभाग ने दी है। आज से 4 दिन बाद यानी 7 नवंबर को एयरलॉग जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट्स की माने तो कुछ दिनों में वातावरण में प्रदूषित कण एक ही जगह ठहर जाएंगे, जिससे सुबह और दोपहर को भारी स्मॉग पड़ेगा। ऐसी स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि दिल्ली में हवा 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे प्रदूषित कण वातावरण में प्रवाह नहीं हो पाएंगे। यह कण हवा में मौजूद नमी के कारण स्मॉग में तब्दील हो जाएंगे। फिलहाल दिल्ली में करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसका असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा की गति आने वाले दिनों में कम रहेगी, इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा जो स्मॉग में तब्दील हो जाएगा। जाहिर है कि इससे वातावरण काफी दूषित हो जाएगा, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।